अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। रिक्वायरमेंट्स फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। जब भी आपके पास कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनने के लिए आता है या फिर अगर आप खुद कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो उसका इनिशियल फेज़ होता है, जो उसकी स्टार्टिंग होती है, वो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स के साथ होती है। आपके पास रिक्वायरमेंट्स होंगी तो आपको पता चलेगा कि मुझे इस टाइप से कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिल्ड करना है। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस विच इनेबल्स अस टू सिस्टमेटिकली डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप अपने कस्टमर से या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो कि आपसे कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करवाना चाह रहा है उससे रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू दोज रिक्वायरमेंट्स आप अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, समथिंग रिक्वायर्ड, समथिंग वांटेड और नीडेड। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशन की बात करें तो रिक्वायरमेंट इज़ वॉट, रिक्वायरमेंट इज़ समथिंग यू रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट्स इज़ समथिंग यू वॉन्ट और यू नीड। जब आपको कोई आपके पास कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर बिल्ड करवाना है, मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो आप उसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि आपको किस टाइप का सॉफ्टवेयर क्रिएट करवाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या मेन फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ उसको परफॉर्म करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप उससे पूछते हैं तो बेसिकली आप उससे रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं। दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वॉन्टेड एंड नीडेड एंड इट शुड बी कैप्ट इन माइंड ऑल द टाइम। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि जब आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं वहाँ पर दो चीज़ों का जो आपने ध्यान रखना है वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक वांट्स एक नीड्स। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और आपका कस्टमर चाह क्या रहा है। आइदर जो वो चाह रहा है उस चीज़ की आपके प्रोडक्ट में नीड है भी कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो वांट्स और नीड्स को आपने डिफ्रेंशिएट लाजमी करना होता है। बेसिकली वॉट इज़ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, अ कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट द सॉफ्टवेयर सिस्टम विल डू विदाउट डिस्क्राइबिंग हाउ इट विल डू, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आपको ये चीज़ बताती हैं, ये चीज़ डिस्क्राइब करती हैं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो क्या परफॉर्म करेगा, कौन कौन सी इसमें फंक्शनैलिटीज़ होंगी, राइट। इसके अलावा एक और डेफिनेशन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिज़ायर्ड एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी बिल्ड। जो भी आप बिल्ड करने जा रहे हैं उसका एक्सटर्नल बिहेवियर कैसा होगा, उसकी कम्प्लीट स्पेसिफिकेशंस आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर अवेलेबल होती हैं। दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, आपका सिस्टम एक्सटर्नली किस तरह से बिहेव करेगा, ये चीज़ें कौन बताता है आपको, आपकी रिक्वायरमेंट्स बताती हैं। वन मोर डेफिनेशन इज़ हेयर, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स मे बी एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विसेज और कॉन्स्टेंट्स एंड इट इज़ द डिटेल्ड मैथमेटिकल फंक्शन। आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, किस चीज़ की, सर्विसेज की और कॉन्स्टेंट्स की, दूसरा डिटेल्ड मैथमेटिकल फंक्शंस होता है। वन मोर डेफिनेशन इज़ हेयर, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स मे बी पार्ट ऑफ द बिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, पार्ट ऑफ द टेक्निकल डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स अ प्रोडक्ट। जो भी आपका कस्टमर आपके पास आया है उसने आपके साथ जितना भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो भी आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, आप उनको भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम IEEE की डेफिनेशन देखें तो IEEE किस तरह से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करता है, इट इज़ अ कंडीशन और अ कैपेबिलिटी दैट मस्ट बी मैच और प्रोसेस्ड बाय अ सिस्टम टू सेटिस्फाई अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और अदर फॉर्मली इम्पोज डॉक्यूमेंट। जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो भी आपके स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, जो भी स्पेसिफिकेशंस आपके पास मौजूद हैं, उन सबको आइदर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं, ये चीज़ आपको कौन बताता है, ये चीज़ आ जाती है हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर। ओके, अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस देख ली, आई होप क्लियर भी हो गई होंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट द सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स की, आपके पास रिक्वायरमेंट्स आपको मिलेंगी कहाँ से। बेसिकली जब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड आपने करना है तो उसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं वो चार तरह से मिल सकती हैं। एक तो आप स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, पीपल अफेक्टेड इन सम वे बाय द सिस्टम। स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं,
वो सारे लोग होते हैं जो कि आपके सिस्टम की डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको आप स्टेक होल्डर्स कॉल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप रिक्वायरमेंट्स कहाँ से ले सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स से ले सकते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके आपको कस्टमर प्रोवाइड कर रहा है, या भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ से आपको रिक्वायरमेंट्स मिल सकती हैं, या फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम, कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने आपको कोई कोई बना बनाया सिस्टम प्रोवाइड किया और कहा कि मुझे इसमें ये चेंजेस करके दो, तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम आपको मिला है वहाँ से आपको रिक्वायरमेंट्स मिल सकती हैं, या फिर डोमेन और बिजनेस एरिया से आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई बंदा आया, उसने आपसे कहा कि मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, या फिर कोई फूड फैक्ट्री फूड बेकरी कोई हो उस टाइप का डोमेन अगर आपको मिला है तो आप डोमेन एरिया को देखते हुए भी रिक्वायरमेंट्स ले सकते हैं। लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल्स, व्हाट वर्सेस हाउ, वन पर्सन फ्लोर इज अनदर पर्सन सीलिंग। यहाँ पर लेवल्स में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, व्हाट वर्सेस हाउ, अगर एक बंदा है किसी को एक चीज़ मिली है, दूसरे बंदे को दूसरी चीज़ मिली है, आप उन सब रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अवेलेबल होते हैं, किसी के पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी के पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी को लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टेक होल्डर है, एक डिवेलपर है, उसने अपना कम्प्लीट फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, अब उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है मे भी हो सकता है वो किसी और डिवेलपर का इनिशियली स्टार्ट लेने वाला पॉइंट हो, तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर। अब अगर हम बात करें अबाउट द काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की, तो डिफरेंट काइंड्स हैं हमारे पास, लाइक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, डोमेन रिक्वायरमेंट्स, इनवर्स रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्ट्रेंट्स, ये डिफरेंट काइंड्स होती हैं हमारे पास। आप इन डिफरेंट काइंड से रिलेटेड अपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं और डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, लाइक आप उससे इंटरव्यू ले सकते हैं, आप उससे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो है वो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। इंशाल्लाह हम उस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करूं तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या बताती हैं, बेसिकली स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम डज, आपका सिस्टम क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। इसी तरह से कुछ हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डोमेन रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स आप गैदर कर सकते हैं एंड सो ऑन, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की लाइक नेचर के ऊपर कि आपका किस टाइप का प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, आपका कस्टमर आपसे क्या चीज़ मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं डिफरेंट काइंड्स के हवाले से। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हमने बात की अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इसमें हमने बात की अबाउट डिफरेंट लेवल्स, अबाउट डिफरेंट काइंड्स एंड अबाउट द इंट्रोडक्शन। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, सॉफ्टवेयर रिलेटेड डिफरेंट ट्यूटोरियल्स वॉच करने के लिए आप हमारे चैनल फ़ाइज़ा वसीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।